द आंसर ऑफ द थर्ड वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ दिस इज ए। अब आपका देखो नाउ लेट आपने क्या किया x इज इक्वल टू a sin थीटा रख दिया तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अपन नाउ x किया तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा हो गया डायरेक्ट एक वैल्यू अपन ये दूसरे की जरूरत पड़ेगी आपका देखो फिर जो तीसरे की जरूरत आपको पड़ेगी लास्ट में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका देखो एक्स अपॉन पड़ेगा इधर उधर से परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज सो नाउ यू हैव टू मेक ओह सॉरी हे भगवान राइटिंग का टाइम तो ये आपका पाई पाइथागोरस थ्योरम से आपका नाम बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर तो बेस इज इक्वल टू नाउ हाइपोटेन्यूज इज ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दिस वन इज आपका एक्स वन आपका ए और ये आपको इससे आपका फ्रॉम दिस आप cos थीटा की वैल्यू निकाल देते और ये आपका हो जाता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो गया क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आई इज इक्वल टू आपका नाउ देखो दिस इज डी एक्स ओवर ए स्क्वायर और माइनस ए देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो अगर आप यहाँ वैल्यू रखना चाहते हैं तो नाउ दिस इज द ए कॉस थीटा डी थीटा इन प्लेस ऑफ डी एक्स नाउ आई इज इक्वल टू आपका नाउ देयर इज नो इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन दिस वन आपका नाउ व्हेन यू विल टेक आपका ए स्क्वायर सो यू विल गेट आपका दिस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा and this one is a 3/2 the whole one is here up and under this so in the fifth case up and now cos square theta or plus sin square theta aage piche karo I is equal to integration of a cos theta a square ye dekho cos square theta aur ki power up and 3/2 ab aapka naam dekho x की पावर m एंड इट हैज ए पावर n सो पावर आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर हो जाता है i इज इक्वल टू अपन गुना a cos थीटा d थीटा ओवर a cos थीटा दोनों का स्क्वायर a 2 से 2 हो गया i इज इक्वल टू अपन गुना a cos थीटा d थीटा अपॉन a क्यूब अपन a क्यूब cos क्यूब थीटा व्हाट वन पावर स्केल से आपका देखो दिस इसमें भी आपका जो फॉर्मूला लगेगा देखो फॉर्मूला लगाना पता होना चाहिए आपका देखो ना एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एम पावर बिगर वन इज तो आपका ए वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस एम हो जाता है आई आपका देखो ना जैसा अब आपका वन पावर से कैंसिल हो गया तो डी थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ आपका यू विल यूज द रेसिप्रोकल ए स्क्वायर के बाहर लिख देते हैं ओके सर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर और ये आपका नाम दे सर सेक स्क्वायर थीटा का थीटा सर नाउ आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक थीटा का ये होता ए टेन थीटा तो ना आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज व्हाट नाउ दिस अपॉन दिस तो आपका नाम दिस tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर x ओवर आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो ये आपका tan थीटा की जगह में आपका हो जाएगा x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ये बोलो मैंने आंसर कि गड़बड़ तो नहीं था ठीक है इसको अच्छे ढंग से जरा लिख लो x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर a square minus x square. This is the answer of this question. And the fourth one is waiting for you.